प्रोग्राम गीत सुहाने। आप सभी का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए फिर कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस सदाबहार गीत के साथ। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मधुमति से अभी आप सुन रहे थे ये सदाबहार गीत। फिल्म मधुमति एक छोटे से गांव की कहानी है। गांव के आदिवासी कबीले की एक लड़की मधुमति यानी वैजंती माला शहर के उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवक देवन यानी दिलीप कुमार से प्रेम कर बैठती है, जो कि जंगलात की नौकरी के लिए नया नया गांव में आया है। शुरू में ये प्रेम प्रसंग लड़की के पिता पवन राजा यानी जयंत को अस्वीकार्य होता है। कहानी में जागीरदार राजा उग्रसेन प्राण विलेन के रूप में आकर उनके प्रेम को बाधित करता है और एक षड्यंत्र के द्वारा मधुमति की मौत हो जाती है। लड़की की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेती है और निर्दयी जागीरदार उसको उसके अंजाम तक पहुंचाती है। लड़की की आत्मा दूसरा जन्म लेकर माधवी के रूप में फिर हीरो के जीवन में आ जाती है। इस फिल्म में सलील चौधरी ने बहुत ही खूबसूरत संगीत रचा है। इस फिल्म में इंसान के पुनर्जन्म की धारणा को पर्दे पर बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म के सफल हो जाने के बाद पुनर्जन्म के फलसफे को बहुत सारे फिल्मों में और बहुत सारे धारावाहिकों में
बार बार कहीं ना कहीं दोहराया गया। दोस्तों अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। रह रह कर आज भी तेरी याद आ ही जाती है, रह रह कर आज भी तेरी याद आ ही जाती है, मानो तेरे लिए दिल में अब भी कोई जज्बात बाकी है। ढल गया है चांद और सूरज भी, बस सिर पर आने को है, फिर भी वो हसीन रात मानो अब भी बाकी है। हर शाम को करती हूँ ढेर सारी बातें तेरी तस्वीर से, फिर भी तुझे देखकर लगता है हर बार वैसे कोई बात अब भी बाकी है। दिल और दिमाग से तो कब का निकाल दिया तुझको, पर जहन में मानो तेरा कोई ख्याल अब भी बाकी है। हसरतें तो बहुत सी पूरी कर ली हैं तेरे जाने के बाद, हसरतें तो बहुत सी पूरी कर ली हैं तेरे जाने के बाद, पर फिर भी न जाने क्यों लगता है कि अब भी उस खुदा से कोई फरियाद बाकी है। रह रह कर आज भी तेरी याद आ ही जाती है, मानो तेरे लिए दिल में अब भी कोई जज्बात बाकी है। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। के दिल को छटक कर हम
फूल मोहब्बत के दिल को बसा दे तो हम आप को ख्वाबों में ला ला के सताएंगे दिल को बता दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म प्यासा से अभी आप सुन रहे थे ये सदाबहार गीत। संगीत दिया था एस डी बर्मन ने और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। प्यासा गुरुदत्त निर्देशित निर्मित और अभिनीत 1957 की भारतीय फिल्म है। इस फिल्म में विजय नामक संघर्ष रत कवि की कहानी है जो आज़ाद भारत में अपनी पोइट्री को अपनी कविताओं को पब्लिश कराना चाहता है। इस फिल्म का संगीत एस जी बर्मन ने दिया था। प्यासा भारत की तथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक गिनी जाती है। आइए आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम की आवाज में ये अगला नगमा। जा
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सहारे है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मैंने रंग दिया है हर पन्ना तेरी यादों से, मैंने रंग दिया है हर पन्ना तेरी यादों से, मेरी किताबों से पूछ इश्क किसे कहते हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 3 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया।
लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनारकली से अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत। फिल्म अनारकली का मुख्य आकर्षण उसका सुमधुर संगीत था। इस फिल्म के संगीत के लिए पहले संगीतकार नौशाद साहब से बात की गई। बहुत कम समय में संगीत करने की मांग पर उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया और उसके बाद ये जिम्मेदारी फिल्म महल के संगीतकार खेमचंद प्रकाश के छोटे भाई बसंत प्रकाश को सौंपी गई। बसंत प्रकाश भी जालान साहब की अपेक्षित गति से संगीत की रचना करने में असमर्थ रहे तो उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और संगीतकार सी रामचंद्र को इसके लिए राजी कर लिया गया। संगीतकार सी रामचंद्र इंडस्ट्री में तेज गति से काम करने के लिए बहुत मशहूर थे। वे अपने काम में इतने निपुण थे कि सड़क पर चलते चलते अपने गानों की धुन बना लिया करते थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में धुनें बनाकर तमाम गाने रिकॉर्ड करवा दिए। फिल्म अनारकली ने अपने सुरीले संगीत की वजह से फिल्म जगत में तहलका मचा दिया और पूरे हिंदुस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आइए आपको सुनाते हैं अगला गीत सुरैया की आवाज में। Hey.
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मेरे पास से वो गुजरा, मेरा हाल तक न पूछा। मेरे पास से वो गुजरा, मेरा हाल तक न पूछा। मैं कैसे मान जाऊं वो वहां जाके रोया होगा। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल चैनल। वक्त हुआ है 1:53, वक्त हुआ है 1:54:03 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। Thank you.
गीत सुहानी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम हम तुम साथ।